हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सीएसएस को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 40 है, जिसमें आज बात करेंगे हम पैडिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं नोट पैड प्लस प्लस में और देखते हैं हमने कोड में लिखा क्या है। तो बेसिक हमने यहाँ पे एक H2 टैग लिया है, जिसे मैंने पैडिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। एक मैंने डिव टैग लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर एक डेटा लिखा है। डेटा तो हटाए देते हैं इसको, हमें डेटा को ये डेटा यहाँ से रिप्लेस करके हम ये वाला डेटा यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसको दो बार पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और मैंने इस डिव को यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर दिया है और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट ब्लू। इसका जो आउटपुट है वो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली CSS में जो पैडिंग होती है, होता क्या है, द CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज आर यूज टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। मतलब कि अगर आप चाहते हैं किसी भी एलिमेंट के अराउंड, मतलब चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करना, ठीक है, इनसाइड ऑफ एनी डिफाइन बॉर्डर, अगर आप चाहते हो कि मेरा ये डिव है, इस डिव के अंदर जो मेरा एलिमेंट है, ये जो मेरा डेटा है, कंटेंट है, इस कंटेंट के अराउंड अगर मैं कोई स्पेस जनरेट करना चाहता हूँ, देन मैं यूज़ करूँगा पैडिंग। बट यहाँ पे एक शर्त होती है कि पैडिंग हमेशा बॉर्डर के इनसाइड आती है। अगर आपने बॉर्डर नहीं दिया है या दिया भी है, ये हमेशा बॉर्डर के अंदर आती है, मतलब कि बॉर्डर के इनसाइड आती है। बॉर्डर के बाहर आपको हमेशा मार्जिन देना होता है। बॉर्डर के अंदर अगर आप स्पेस देते हो और एलिमेंट के बीच में, देन आपको देना होता है पैडिंग, ठीक है। तो उसको हम करते हैं प्रैक्टिकल। अगर मैं देना चाहता हूँ पैडिंग, मैं इस कंटेंट को पे देना चाहता हूँ टॉप से पैडिंग, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर पैडिंग टॉप। कितना टॉप से आता हूँ, 50 पिक्सल। तो मैंने 50 पिक्सल दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब आपने देखा कि मेरा जो एक कंटेंट है, यहाँ पर ये डेटा है, इस डेटा के बीच ऊपर यहाँ पर टॉप में हमने यहाँ पर 50 पिक्सल का स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि पैडिंग उसे हम कहते हैं कि अगर आप किसी भी एलिमेंट पर, अगर आप उसके चारों तरफ स्पेस देना चाहते हैं, देन आप यूज़ करते हैं पैडिंग, बट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइन बॉर्डर। मतलब कि बॉर्डर के अंदर, मैंने यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल दिया और बॉर्डर के बाहर मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ, बॉर्डर के अंदर दे रहा हूँ इस वाले कंटेंट को। तो पैडिंग जो होता है वो हमेशा बॉर्डर के इनसाइड होता है और कंटेंट के बीच में। ये मेरा बॉर्डर है और ये मेरा कंटेंट, इसके बीच का स्पेस कहलाता है पैडिंग, ठीक है। और बॉर्डर से अगर मैं बाहर दूंगा स्पेस, तो उसे बोलते हैं मार्जिन। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बॉर्डर दिया टॉप से, अगर मैं पैडिंग देना चाहता हूँ यहाँ पर मैं बॉटम से, तो पैडिंग लिखा मैंने, लिखा बॉटम, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 पिक्सल। तो अब देखो, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अब मैंने क्या किया, पैडिंग दिया बॉटम 100 पिक्सल की, मतलब बॉटम से 100 पिक्सल का स्पेस आ जाए। रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर हमने पैडिंग बॉटम, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कूलर लगा दिया, हमें लगाना हाइपर, इस तरीके से सेव किया और अब रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि मेरा बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस यहाँ पर 100 पिक्सल आया, मतलब ये पैडिंग मैंने दी हुई है। ऐसे अगर मैं टॉप से देना चाह मैं यहाँ लेफ्ट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पैडिंग लेफ्ट, कितना पिक्सल, 150 पिक्सल। तो मैंने सेव किया, तो मैंने लेफ्ट से पैडिंग दी 150 पिक्सल, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर राइट से पैडिंग देना चाहता हूँ, राइट से स्पेस देना चाहता हूँ, तो पैडिंग मैंने दिया राइट से, कितना, 200 पिक्सल। सेव किया और अब किया रिफ्रेश, तो आप देखेंगे मैंने राइट से भी पैडिंग दे दिया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पैडिंग होता क्या है, कि कंटेंट के चारों तरफ स्पेस क्रिएट करना, कंटेंट के चारों तरफ स्पेस क्रिएट करना, बट इनसाइड द बॉर्डर, उसे बोला जाता है पैडिंग, ठीक है। कंटेंट के चारों तरफ स्पेस मैंने क्रिएट किया है, लेकिन बॉर्डर के अंदर किया है, ये बॉर्डर मैंने दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं पैडिंग। अगर बॉर्डर के बाहर आप स्पेस दोगे, उसे बोलोगे आप मार्जिन, ठीक है। अब ये तो हो कि यहाँ पर टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, कुछ यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ भी होती है। और शॉर्ट हैंड कैसे करते हैं, अगर मैं चाहता हूँ पैडिंग टॉप लेफ्ट ना लिख के मैं लिखता हूँ सिर्फ पैडिंग, और मैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी यूज़ की और सारी वैल्यू यूज़ कर ली, तो ये क्लॉक वाइज यूज़ करता है। क्लॉक मतलब टॉप, ये हमारा टॉप के लिए हुआ, ये हमारा राइट के लिए हुआ, ये बॉटम के लिए हुआ, हमारा लेफ्ट के लिए हुआ। तो इस तरीके से क्लॉक वाइज ये यहाँ पे दिया जाता है, क्लॉक वाइज, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो आप देखें यहाँ पर क्लॉक वाइज यहाँ पर मैंने मार्जिन यहाँ पे, इस वो पैडिंग यहाँ पर दे दिया है।
अब देखो ये टॉप के लिए, तो टॉप से 100 पिक्सल है, ठीक है, बॉटम से ये टॉप है, ये हमारा राइट से 200 पिक्सल है, बॉटम से 300 पिक्सल है, ये देखो 300 पिक्सल का स्पेस है, और हमारा राइट से ये हमारा जो लेफ्ट साइड से 400 पिक्सल है, ये 400 पिक्सल का स्पेस आ गया, ठीक है। अगर इसको भी आप और छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप ये दो प्रॉपर्टी नहीं देकर सिर्फ इसको भी इतना भी कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो टॉप के लिए और बॉटम के लिए, सेकंड वाली लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। सेव किया मैंने, रिफ्रेश, ये देखो टॉप के लिए, बॉटम के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि टॉप और बॉटम 100 पिक्सल, लेफ्ट राइट 200 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं करूँ 400 पिक्सल इसको, तो रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखा कि लेफ्ट और राइट से 400 पिक्सल, टॉप से 100 पिक्सल और बॉटम से 100 पिक्सल, ठीक है। अगर आप इसको और छोटा करोगे, इसको यहाँ से कट कर दोगे, इसका मतलब होगा सिंगल प्रॉपर्टी का मतलब होगा, वैल्यू का मतलब होगा टॉप के लिए भी इतना ही, बॉटम के लिए भी इतना ही, लेफ्ट के लिए इतना ही, राइट के लिए इतना ही। सेव किया, अब मैंने किया इसको रिफ्रेश, अभी देखो हर जगह से ये स्पेस 100 पिक्सल का यहाँ पर पैडिंग का स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आप शॉर्ट हैंड और बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं जिसमें सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यू, या आप चार वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या आप तीन वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने टॉप, पहले वैल्यू आती है वो टॉप के लिए आती है, फिर आती है हमारी राइट के लिए, तो राइट से मैंने 200 पिक्सल डाला और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया 300 पिक्सल, तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे क्या मैंने रिफ्रेश, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हुई टॉप के लिए, ये हुई हमारी राइट के लिए, ठीक है, और ये हुई हमारी बॉटम के लिए, और ये ही हमारी सेम हुई हमारी लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज चलती है इसलिए। तो आप तीन वैल्यू से भी कर सकते हैं, चार वैल्यू भी दे सकते हैं, दो वैल्यू, बस आपको ध्यान रखना कि जो पैडिंग की वैल्यू होती है शॉर्ट हैंड वो क्लॉकवाइज चलती है, टॉप से टॉप पे, फिर टॉप से फिर आएगा आपका राइट में, फिर आएगा बॉटम में, फिर आएगा आपका लेफ्ट में, फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह से क्लॉकवाइज ही पैडिंग हमारे की पैडिंग में जो वैल्यू होती है वो दी जाती है, चाहे मार्जिन में भी इसी तरह देते हैं क्लॉकवाइज अगर आप शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, वहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस ये होता है कि पैडिंग हमेशा कंटेंट के आसपास अराउंड चारों तरफ अगर आप कोई भी स्पेस डिफाइन करना चाहते हैं, या आप ऊपर ही करना चाहते हैं, बॉटम में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, बस शर्त ये होती है कि बॉर्डर के अंदर एलिमेंट पर दिया गया स्पेस वो पैडिंग कहलाता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है, अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।